आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ताजमहल। ताजमहल हमारी दुनिया के अजूबों में से एक है। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही इन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोधी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर। आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाए गए तथा मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया। इस प्रकार ताजमहल के जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार की कीमती पत्थर एवं रतन बगदाद अफगानिस्तान तिब्बत इजिप्त रूस ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर इन्हें भारी कीमत पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। 1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबद नुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी को जुबान पर है। किसी मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीरें। ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैनानी यहां आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे